ओम शांति। आज का विषय है तनाव को ना कहें, से नो, अ बिग नो टू स्ट्रेस टेंशंस इन योर लाइफ। यूं तो स्ट्रेस को, टेंशन को बहुत ही कॉमन रीति से देखते हैं, माना मैनेजमेंट कोर्सेज में तो इसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मानो इसकी पूरी पढ़ाई होती है। और पढ़ाई भी इस समझ से होती है कि स्ट्रेस इज कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ, बट आध्यात्म हमको बताता है कि स्ट्रेस या चिंता एबनॉर्मल है, अस्वाभाविक है, और जो भी चीज़ अस्वाभाविक है उसे हमें अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना है। यही आध्यात्म की सुंदरता है कि स्पिरिचुअलिटी हमें प्रैक्टिकल बनाती है, प्रैक्टिकल जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली। कंप्लीट वेलबींग जो हमारी ज़िंदगी में आती है वो आध्यात्म से ही आती है। और यूं तो दुनिया में लोग ना जाने कौन कौन से कॉन्सेप्शंस रखते हैं कि ये बूढ़ों के लिए है, या फिर ये फला फला जाने क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, माने उनको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि आध्यात्म माने क्या। ऐसे भी सोचते हैं कि दो प्रकार की लाइफ है, माना अगर आपको प्रैक्टिकल रीति रहना है तो आपको अध्यात्म में नहीं जाना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं है कि अध्यात्म हमारे जीवन की नींव है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जीवन में जो तनाव है, चिंताएं हैं, उनसे मुक्त कैसे बने। इसके लिए सबसे पहले हम जड़ पर जाएंगे कि रूट कॉज क्या है, तो हमको आसानी होगी प्रॉब्लम को डील करने में। तनाव, स्ट्रेस या ज़्यादा सोचने की जो बीमारी आजकल बहुत फैली हुई है, उसका रूट कॉज है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड माना सारे दिन में हमारे पास जानकारी बहुत ज़्यादा है, माना जैसे समझें कि हम जानकारियों के समुद्र में बह रहे हैं, है ना। तमाम तरीके से हम बाहर काम करते हैं या घर में भी हैं, तो सारे दिन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, साधन हमारे पास इतने सारे हैं, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम उस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को चेक किए बिना ही उसको इन कर लेते हैं, माने अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा मन, जिस पे हमारा इतना अच्छा नियंत्रण नहीं है, वो लो वाइब्रेशन को, लो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा ओवरलोड उसको एक्सेप्ट करता है, तो हलचल में आ जाता है। मन कैसा हो जाता है? हलचल में आ जाता है, विचलित होने लगता है, माने मन स्थिर नहीं रह पाता और हम अच्छा अनुभव नहीं करते। लेकिन तनाव बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कई प्रकार के हमें फिजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी के हमारे सभी एस्पेक्ट फिर प्रभावित होते हैं। तो क्या करेंगे इस समस्या को मुक्त करने के लिए? पहले खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, और सभी को जो आपके वेल नोन हैं, माने जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, उन सभी को बताएंगे, मदद करेंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को डील करने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास सारे दिन में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट बात यह समझनी है कि सामने से स्टिमुलस हमेशा आना है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ द पीपल वी मीट और द सोर्सेज वी यूज। माना आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके पास स्टिमुलस आना है। आप बाहर ऑफिस में जाके काम करते हैं, स्टिमुलस आना है। आप लोगों से मिलते हैं, स्टिमुलस आना है। You cannot control what people think, how people behave. Now the question comes, हम control क्या कर सकते हैं? हम control कर सकते हैं अपना response, that is the power. कहते हैं ना, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारा भाग्य बनाती है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे शक्ति स्वरूप बनो। शक्ति स्वरूप माना क्या? माना जब आत्मा बाहर से नियंत्रित होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, माने सामने से चाहे जो परिस्थिति है, जो स्टिमुलस है, जब आत्मा अपनी ओरिजिनल संस्कार अनुरूप स्थिरता से, स्टेबिलिटी से रिस्पॉन्स करती है बिना हलचल में आए, तो उसको शक्ति स्वरूप कहते हैं। तो इस स्थिति को कैसे पाएंगे?
जब हम समझेंगे कि हमारे पास चुनने की शक्ति है, द पावर टू चूज। माना मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक करूं। उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम सबकी सेफ्टी समाई हुई है। ख़ासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अपने लाइफस्टाइल को बना के चलते हैं, उन्हें अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि चीज़ें जब आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड आ रहा है, माना सपोज आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप बाहर काम करते हैं और सब जगह गॉसिप होता है। तो गॉसिप क्या है? गॉसिप इज़ ऑल अबाउट वेस्ट थॉट्स। गॉसिप इज़ एक्सट्रीमली अनप्रोडक्टिव। ये आपको बीमार बना सकता है आपके मन को। माना उसमें क्या बातें हैं, ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, आज उन्होंने ये बनाया, आज वो ये खाना लेके आए, आज ऐसे हो गया, कल हमारा बॉस ये कह रहा था, फला 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 फला। मानी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट थिंकिंग। वेस्ट थिंकिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव, जो कुछ सृजन नहीं करेगी बल्कि आपको थका देगी। जब हम बहुत ज़्यादा वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं तो मन बुद्धि थक जाते हैं। तो एनर्जी को कंजर्व करना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने आप को इस स्थिति में लेके आएंगे कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करें। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पे हैं, आपने तमाम ग्रुप बना रखे हैं, आपको ग्रुप्स की आवश्यकता नहीं है तो बना रखे हैं ग्रुप्स, तो सारे दिन में आपको टिप 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 आते ही रहेंगे, वो तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इन सबको चेकआउट करने की ज़रूरत है, क्या मैं इनको म्यूट करूँ या मैं एग्जिट करूँ, क्या ज़रूरत है मुझे सारे ग्रुप्स में रहने की, जो मोस्ट असेंशियल है मैं उसमें रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और मान लीजिए आप एग्जिट नहीं भी करते हैं तो ग्रुप्स के अंदर या कहीं पर भी, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हर प्रकार का जोक, हर प्रकार का स्लोगन, हर प्रकार का वीडियो आपको मिलेगा। तो आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप उसको देखने से पहले ही डिलीट करें इफ़ यू थिंक इट इज़ नॉट सुटेबल। If you think it's harmful, it's unhealthy, तो देख के डिलीट करने का फ़ायदा नहीं है, देखने से पहले डिलीट करता है। This is called self-restraint, माना आत्मनियंत्रण। इसी से हम अपनी भलाई कर सकते हैं। तो गॉसिप हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है कहीं पर, या कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर आप उसको बिना जांचे परखे एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। क्योंकि हमारे मन को हाई वाइब्रेशन, अच्छी क्वालिटी के विचारों की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मन का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प, तो अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो मन क्या होगा, चिंता ज़्यादा करेगा, तनाव में ज़्यादा रहेगा, दुखी रहेगा और कमज़ोरी का अनुभव करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे। राजयोग हमारे मन को ना सिर्फ शांत करता है, मन को जब शांति की शक्ति से भर देता है तो फिर धीरे धीरे विचारों पर नियंत्रण आता है। तो जो भी मैंने कहा वो फिर आप ऑटोमेटिकली आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहली टिप यही है कि राजयोग उसका सोल्यूशन है। माने ये रामबाण है हर चीज़ के लिए। तो आपको राजयोग का अभ्यास करना है, दूसरों को कराना है, अगर आपको टेंशन से मुक्त रहना है और एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है, माने स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ। एक बात और है, एक महीन लॉ है जिसको गहराई से अनुभव करेंगे। हमारा जो ये माइंड है, मान लीजिए कि ये एक ऐसे कमरे की तरह है जिस कमरे में आप बैठे हो और आपने अंदर से लॉक लगा रखा है। सामने से कोई अगर आ रहा है, दरवाजे पर नॉक कर रहा है, वो तब तक एंटर नहीं हो सकता जब तक कि आप कमरे का लॉक अंदर से ना खोलो। इसी तरह से हमारे माइंड में कोई भी व्यक्ति घुस नहीं सकता है। ये बात बहुत महीन है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। Nobody can enter in our mind without our permission। क्योंकि लॉक किसके पास है, हमारे पास है। माने उसका जो थॉट है या नेगेटिविटी है, कुछ भी है, वो केवल नोक करेगा, दरवाजे पर नोक तो करेगा, लेकिन दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना है, ये कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, ये चॉइस हमारी
होती है। ये हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। माने हमारा भाग्य हमारे विचारों से ही बनता है। जब हम कमजोरीवश सामने वाले के विचारों को मानसिक स्वीकृति दे देते हैं तब वो हमारा विचार बन जाता है और इस हिसाब से वो फिर काम करना शुरू करता है। पर हमें क्या गलत फहमी होती है, देखो इन्होंने कहा तो ऐसा हो गया। नज़र के लिए भी कहते हैं ना, इन्होंने मुझे नज़र लगा दी, देखो इनकी नज़र कैसी है, इन्होंने ऐसा कहा तो देखो ऐसा ही हो गया। या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि जिस बात का डर था वही हो गया, ऐसे ऐसे सोचा तो ऐसा होगा। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उन संकल्प को एक्सेप्ट किया, इसलिए एक्सेप्ट करके वो आपका संकल्प बना, तब जाके उसने आपके जीवन में फर्क डाला। तो इस बात को समझना है कि हम अपने मानसिक नज़रिए के मालिक होते हैं, अपनी कल्पना जगत के, विचार जगत के मालिक होते हैं। वी आर द बॉस, द क्रिएटर ऑफ आर एटीट्यूड, ऑफ आर थॉट्स एंड फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है? जब कभी भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, माना आपने कुछ खराब संकल्प चलाए हैं, विचारों को भावनाएं फॉलो करती हैं, तो जब हमको एक बार ये नॉलेज हुई कि हम अपने थॉट्स की, फीलिंग्स के, एटीट्यूड के क्रिएटर हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसको ठीक करें? ये बात हमें खुद से पूछनी है। हमारे जीवन की ये जो चीज़ें हैं, ये आके जादू से भगवान ठीक नहीं करेगा। भगवान का क्या रोल है? भगवान हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता हमें क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, प्यार करते हैं, शक्ति देते हैं, हमें संभालते हैं। जब हम कमज़ोर हो गए हैं या थक गए हैं तो वो हमको संभालते हैं, लेकिन वो हमारा वाला वो काम नहीं करेंगे जो हमको करना है। उन्होंने हमें एजुकेट किया, हमको नॉलेज की पावर दी, तो अब उस नॉलेज को हमको इम्प्लाई करना है। तो तनाव, स्ट्रेस जो आजकल के जीवन में इतनी कॉमन हो गई है, एक्चुअल में इट इज़ वेरी एबनॉर्मल थिंग, और इसको बिल्कुल कॉमन नहीं मानना चाहिए। कॉमन मान के ही तो हम इसको एंडोर्स कर देते हैं। तो आज देखो, हर छोटे से छोटा बच्चा भी इतना स्ट्रेस में रहता है हर चीज़ को लेके। स्ट्रेस इज़ अननेचुरल, टेंशन इज़ अननेचुरल। हमें इसको समाप्त करना चाहिए, और समाप्त करने के लिए हमें जिम्मेवारी लेना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू टेक द चार्ज ऑफ लाइफ कि यस, अगर मुझे भगवान ने ये बताया है कि बच्चे तुम अपने एटीट्यूड के क्रिएटर हो, तो उसको ठीक हमें करना चाहिए। एक बार हम प्रतिज्ञा करेंगे करना है, तो मदद के हज़ार रास्ते खुल जाएंगे। ओम शांति।